इस मेले की सेवा का अंतिम दिन था। सेवा का अंतिम दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेले में जो सेवा चल रही थी उसका अंतिम दिन था। और अंतिम दिन बाबा ने वंडरफुल सीन दिखाई, बच्चे भी आ गए थे समय पर, बच्चों को बुलाया, वो सब भी आ गए, बच्चे भी आ गए, हम भी तैयार थे। तो भाइयों को कहा कि जाओ सामान लेके मेले में लगाओ, लग जाए तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे, हम तो तैयार ही बच्चे थे। तो उधर से भाइयों का फोन आया, दीदी यहाँ से तो ये टेंट आ रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ, क्या इसके साथ ही वो पुतला खड़ा कर दिया है कि इन्होंने? कहते हैं जी आपके तो यहाँ स्टॉल नहीं होंगे, हटाओ अपना टेंट, अपना सामान हटाओ, आग लगने का खतरा है। अंडरस्टूड है ना, साथ में पुतला खड़ा हुआ है और कपड़े का टेंट लगा हुआ है, तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो हमने कहा ये कैसे अचानक से कैसे, उन्होंने तो कुछ पहले से बताया ही नहीं, इन्फॉर्म तो कम से कम करना ही चाहिए था ना हमको। तो ये तो हमने ये सोचा कि कल जल्दी लगा रहे, नहीं तो हम तो रूटीन के टाइम पे जाते तो हम क्या कर पाते, ये तो हम चले गए जल्दी। तो बाबा की ही समझो प्रेरणा थी, बाबा की प्रेरणा थी कि कल का टाइम जल्दी का रख लिया। तो फिर फोन आया रवि भाई का कि दीदी आप आ जाओ एक बार। हमने कहा ठीक है, लिया बाबा को सर, चलो बाबा क्या नया विघन आ रहा है इसमें। यहाँ तो बच्चे भी सब तैयार होके बैठ गए अपना 4 बजे के हिसाब से, क्योंकि उनको बोला था 4 बजे से लगना है। तो वहाँ पहुंचे तो उसको बोला कि तो कहा यहाँ तो नहीं हो सकता, आपको भी देख लो, हमने काम को भी दिख रहा है, वो तो नहीं सकता है, लेकिन हमारे बच्चे तो तैयार हो चुके हैं, हम तो करेंगे। और फिर हम और प्रीति बहन गए मेले में जहाँ पहले करते थे स्टॉल। फिर हमने देखा वहाँ तो जगह खाली थी, और बाई चांस वहीं पे वो सोनू भाई भी मिल गया। हमने कहा भाई हम तो यहाँ लगाएंगे अपना, हम वहाँ से तो उठा रहे हो मेरा, आप लगा सकते हो तो आप लगा लो, हम कोई हेल्प नहीं देंगे आपको, ना कोई टेंट वाला आपको मिलेगा। हमने कहा कोई नहीं, हमारे पास शक्ति सेना है, पांडव सेना है, हम खुद कर लेंगे। और बाबा के बच्चों ने सबने मिल के सब बंदरों ने पुल बांध दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। और दूसरी स्टॉल एज इट इज तो नहीं बन पाई, लेकिन बन गई, जिसमें देवियां भी विराजमान हो गई, और सब बाबा के बच्चों ने मिलके वो पहाड़ उठा के, इधर से उठा के वो पहाड़ का पहाड़ उधर रख दिया। क्योंकि बाबा चेक कर रहे थे कि इनके पास तो शक्तियां हैं या नहीं है। हाँ, बना लेंगे वाले ये पत्थर। ये भी हमारी चेकिंग थी ना, अवस्था की चेकिंग की, हम डावाडोल होते हैं, हलचल में आते हैं या ऊपर नीचे अवस्था होती है, लेकिन हमको तो पता था कि इसमें भी कल्याण है। हमको बोला वहाँ एक तो भाई बहन खड़े थे, उन्होंने बोला कि कन्याएं तो तैयार हो रही है, उनको रोक दे। हमने कहा नहीं रोको नहीं, उनको होने दो तैयार। बाबा ने इसमें भी कुछ राज समाया हुआ होगा, इधर भी लोग देख लिए थे, उधर भी नहीं देखे, उधर के लोगों ने नहीं देखा था, ज्यादा भीड़ थी। और कल तो ऐसा था, ऐसा भीड़ हमने तो जीवन में कभी नहीं देखी। मैं आई थी और मैं 1.25 घंटे घूमकर गाड़ी कहीं खड़ी करने जा रही, तब मैं वापस चली। इतनी भीड़, मतलब पूरा ग्राउंड तो सोचो बिल्कुल चींटियों की तरह भरा ही हुआ था, चारों तरफ का रोड भी, जितना ग्राउंड उससे बाहर 2 गुना ट्रैफिक हो गया। वही तो कह रही हूँ, चारों तरफ का रोड, तो भी आने लग रहे थे, चारों तरफ का रोड ऐसे भरा हुआ था। 10 बजे गए तो लोग सब आ रहे थे, लोग ऊपर छतों पे भी अपने घरों की छतों पे भी चारों तरफ खड़े हुए थे, इससे इतना क्लियर बिल्कुल सैलाब आ रहा था, बिल्कुल सैलाब आ रहा था कल तो। कमाल का रश था, मतलब वंडरफुल, हमने तो कभी इतना रश हो सकता है। और बाबा ने कल जो है वो ऐसे, मतलब इसलिए उस स्थान पे कराया क्योंकि वो रश यहाँ नहीं होता था, नहीं होता कल, यहाँ नहीं होता वो रश, वहां होना था वो रश। तो बाबा ने इसलिए कहा बच्चे उठाओ अपना टेंट, तुम तो उठाओगे नहीं। और हर बार पुतला बिल्कुल इधर बाउंड्री वॉल के साथ वो लगाते थे, इस बार बीच में लगाया उन्होंने बिल्कुल टेंट के साथ, कभी नहीं लगाते इतने सालों से हमने तो देखा है, इधर बाउंड्री वॉल की तरफ ही लगाते हैं, इस बार उन्होंने बिल्कुल उधर बीच में लगा दिया जहाँ टेंट था, क्योंकि बाबा ने कहा ये तो अपना तंबू हटाएंगे नहीं ऐसे, इसलिए बाबा ने उनको कहा यहाँ लगा दो पुतला, तभी अपना तंबू हटाएंगे यहाँ से। तो उसमें भी हमें तो पता ही था कि बाबा की हर बात में अंदर से
सौ क्या हजार क्या कितने परसेंट देखो निश्चय किसमें कल्याण है। और चुपचाप हम तो उठाया तंबू और चले गए, पता था बाबा ने वहां करा नहीं है सेवा, तो अंदर कोई भी 1% भी कोई हलचल नहीं थी, क्या हो गया कैसे हो गया। जैसे ही उन्होंने फोन किया, रवि भाई का फोन आया, दीदी आप आ जाओ। हमने कहा बाबा इसमें भी कल्याण है, ठीक है देखते हैं आप क्या खेल कराते हो। लेकिन कमाल तो हमारे भाई बहनों की है, तखत भी उठाए, कुर्सियां भी उठाए, चित्र भी उठाए, बैनर भी उठाए, इधर से सारा कुछ उखाड़ा, बैनर भी उखाड़ा, फिर वहां सारा बांधा, माइटें लगाई। कमाल तो मैं अपने सब भाई बहनों की करती हूँ, सभी की जिन्होंने भी कल सहयोग किया, वे ताली अच्छे से बजा दो। बहुत दिल की दुआएं कमाई रविंदर भाई, लेकिन एक है लाइट टूट गया है, सभी ने किया, जो भी भाई बहन थे वहां पर सेवा में सभी ने किया, सभी ने एक इशारे पर, किसी ने भी कोई संकल्प नहीं किया कैसे करेंगे क्या होगा, एक घंटे के लिए लगाए फिर उखाड़े, ना किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, जिसको जो कहा सबका मन था करना है। हाँ सबका मन था करना है, और सबसे ज्यादा तो एंजॉय बच्चों ने किया लास्ट में गोलगप्पा पार्टी में। 250 में से 240 खा गए, 250 पहले आते ही खाए, जब आए हमने पूछा पहले खाओगे या बाद में खाओगे, कहते पहले खाएंगे। अच्छा पहले खाएंगे तो पेट भर के खिला दिए पहले, फिर बाद में हमने कहा आपके लिए चावल बनाए हैं, चावल खाओगे या गोलगप्पे, कहते गोलगप्पे। फिर दोबारा उनके लिए बने गोलगप्पे, लेकिन एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, मेहनत भी की, और सबकी चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से जिस